हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है, प्रश्न संख्या एक। यहाँ पे मैंने लिया है ए और यहाँ पे लिया मैंने बी। मैंने आपसे बोला ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में करता है, यानी 20 डेज में। ठीक है, एक किसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। उसी काम को अगर हम बात करेंगे बी, तो उसी काम को बी जो है आपका करता है 30 दिन में। कितने दिन में करता है आपका? 30 दिन में। ठीक है, एक कितने दिन में करता है? 20 दिन, और बी करता है 30 दिन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसी काम को ये लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, आसान है, ध्यान देंगे आप लोग। एक कितने दिनों में कर, ए जो है कितने दिनों पूरा करता है आपका? 20 दिनों में। तो सिंपली आप करेंगे क्या, 20 कोमा बी, बी करता आपको 30 दिनों में पूरा, तो 30। ठीक है, और सिंपली आप 20 और 30 करेंगे क्या, एलसीएम। क्या करना आपको? एलसीएम यानी कि लासा। ठीक है, जब 20 और 30 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर है कितना, 60 आएगा। इन होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ आप लिखना है आपको ए। ए कितने दिन में करता आपका? 20 दिन में, तो 20 लिखना है सिंपली। और यहाँ पर आपका बी, बी करता आपका 30 दिनों में, और दोनों के बीच में लगा लिखना है किसको, एलसीएम। कितना निकाले हम? 60। क्लियर है? अब यहाँ पे 20 से आपको 60 में करने हैं भाग। जब 20 से आप 60 में भाग करेंगे तो आपका हुआ कितना, 3। जस्ट के सामने लिखना है क्या आपको, 3। क्लियर है? इसी प्रकार 30 से करना है आपको 60 में भाग। 30 से अगर 60 में भाग करेंगे तो आपका आया कितना, 2। यही तो आएगा। तो इतना करने के बाद बस आपको जो भी निकला यहाँ पे, 2 + 3 इसको जोड़ देना है आपको। 2 + 3 होते हैं कितना आपका, 5। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा आपको, ए प्लस बी ना, तो ए प्लस का करेंगे क्या, बी। ए प्लस बी जो भी निकलेगा आपका, जितने आपका एलसीएम निकले हैं कितना निकले हैं, 60। इसमें आपको भाग देना है कितने से, जो जोड़ने के बाद यहाँ पर, यानी कि 3 + 2 कितने हैं, 5 से भाग करने हैं। तो ए प्लस बी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे आपका, 12 दिन में। यही क्या हुआ आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, और सी जो है उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, ए कितने दिनों में करता है, 10 दिन, तो आपको लिखना है कितना, 10 कोमा बी कितना है तो आपका 15, तो 15, सी कितना है, 20। और सिंपली इसको करना है क्या आपको, एलसीएम। क्या करना है आपको, एलसीएम यानी कि लघुत्तम सीमा पूर्ण। 10, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, कुछ नहीं है, एक कितने दिन में करता है आपका, 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, और बीच में लिखना किसका आपको, एलसीएम को यानी कि 60 को। ठीक है, और बारी बारी से भाग करना, 10 से 60 में करेंगे भाग, कितना होगा, 10 × 6 = 60, तो आपको इसके सामने लिखना है कहाँ पे, 6। 15 से करेंगे 60 में भाग, 15 × 6 = 60, तो सामने लिखना है कितना आपका, 4। 20 से करेंगे आप 60 में भाग, तो 20 तिया कितना होता आपका, 60, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आप, 3। इतना करने के बाद आपको जो है इन तीनों को आपस में जोड़ देने हैं। ठीक है, 3 + 4 होते हैं 7, 7 + 6 होता है आप कितना, 13। बस इतना करने के बाद
आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर करने हैं। जो भी आपका एलसीएम निकला है कितना निकला हमारा 60। तो सिंपली आप 60 में इस संख्या से यानी कि 13 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो आपका आंसर होगा 13 चौके होता है 52 पूर्णांक 8/13। यही क्या होगा आपका डेज आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका उस काम को 4.8/13 दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि ये जो है आपका लगभग 4.6 डेज के आसपास आएगा। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ए जो है किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है और सी जो है उस काम को 100 दिनों में पूरा करता है। तो पूछ रहा आपसे ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या आपको 40, 50 और 100 का करना है क्या एलसीएम, किसका 40 का, 50 का और 100 का। जब आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम होगा कितना 200। कितना होगा 200। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे है 40 है ए, बी कितना है 50 दिन, सी कितना 100 दिन और बीच में एलसीएम कहाँ करना आपको हमेशा बीच में रखने हैं 200। ठीक है, 40 से करने हैं 200 में भाग तो आपका हो जाएगा कितना आपका 5। इसी प्रकार 50 से करेंगे 200 में भाग तो कितना होगा आपका 50 चौके 200 होता है। 100 से करेंगे 200 में भाग तो कितना होगा आपका 2। ठीक है, इतना करने के बाद इन तीनों संख्या को आपस में आप जोड़ देंगे। 4+2 होते हैं 6, 6+5 होते हैं कितना आपका 11 हो गया। इतना करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पूछ रहा है आपसे। बस करना कुछ नहीं है, एलसीएम यानी कि 200 था हमारा एलसीएम, इसमें भाग करने कितना आपसे जितने संख्या को जोड़ने के बाद आया कितना 11। तो 11 से आपको सिंपली भाग करने हैं। जब आप 11 से भाग करेंगे इसमें तो 11 एक कम होता है 11, बचेगा कितना आपका 9, 9 पे 0 होता है आपका 90 और 11 8 होता है कितना आपका 88। ठीक है, तो बचे कितना आपका 2, फिर 11 एक कम 11 बचेगा आपका, फिर लगभग उठा 18.18 डेज, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ए बी और सी उस काम को लगभग इतने दिनों में पूरा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।